दोस्तों सब्सक्राइब करो अनसाई टेक्निकल चैनल को और प्रेस करो उस बेल आइकन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड अर्निंग वीडियो सबसे पहले। है दोस्तों वेलकम टू अनसाई टेक्निकल। दोस्तों आज मैं आपको पेटीएम की ऑफिशियल लूट के बारे में बताने वाला हूँ जो इसकी है डिजिटल गोल्ड की। यानी आपको सोना खरीदना है, सोना खरीदने के बाद बेच देना है और उसमें आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। यानी आप पेटीएम अकाउंट में 45 रुपीज़ आपको मैं फ्री में दिलाने वाला हूँ। बस एक छोटी सी आपको ट्रिक आजमानी है। तो दोस्तों इस वीडियो को अभी आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको 45 रुपीज़ मिले या नहीं आपके पेटीएम वॉलेट में। तो दोस्तों हमें सिंपली करना क्या है, हमें पेटीएम ऐप को ओपन कर लेना और आपके पास पेटीएम में उस टाइम 1000 रुपीज़ होने चाहिए इस ट्रिक को लगाने के लिए। बिकॉज़ हमें करना क्या है दोस्तों, हमें यहाँ पर जाना है गोल्ड में। गोल्ड में जाने के बाद दोस्तों हमें बाय गोल्ड करना है और यहाँ पे बाय इन रुपीज़ कर देना है और यहाँ पर दोस्तों हमें लिखना है 1000। जब दोस्तों हम 1000 की यहाँ पर हमें गोल्ड बाय करना है और यहाँ पर हमें दोस्तों प्रोसीड कर देने के बाद यहाँ पर गोल्ड न्यू 10 ये जो आपको ऑफर्स में दिखा रहा है इसको क्लिक कर देना है। ये मेरा नहीं होगा बिकॉज मैंने पहले लगा दिया और मैंने 1000 का गोल्ड परचेज कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरा गोल्ड का बैलेंस देख सकते हो कि मैंने गोल्ड जो बैलेंस है मेरा वो है 0.3353 ग्राम। यानी मैंने 1000 रुपीज़ का गोल्ड परचेज किया है, मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा गोल्ड परचेज हुआ है और वो जो मैंने प्रोमो कोड लगाया दोस्तों उससे मुझे 100 रुपीज़ का पेटीएम कैशबैक भी मिल चुका है। अब दोस्तों यानी मेरा 100 रुपीज़ तो वापस आ गया 1000 में से। अब दोस्तों ये सारे रुपए हमारे वापस रिकवर कैसे होंगे, सिंपली हमें होम में चले जाना है और गोल्ड में वापस चले जाना है और यहाँ पर सेल में क्लिक करके सेल इन रुपीज़ में कर देना है। अब दोस्तों ये जो 1000 रुपये का गोल्ड है ये हमारा बिकेगा दोस्तों 955 रुपीज़ में। अब दोस्तों सिंपली हमें 955 या 56 कुछ इसी रेट में ये बिक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 956 में मेरा बिक रहा है और यहाँ पर ये हमारे लेगा 10 रुपीज़ की फ़ीस। और यहाँ पर दोस्तों हमारा मांग गया अकाउंट नंबर यानी सारी अकाउंट डिटेल जिसमें ये जो हमारी मनी है वो वापस से पहुँचा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर डाल दिया है और अब मैं दोस्तों यहाँ पर डाल देता हूँ अपना IFSC कोड। IFSC कोड भी दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया। आप सिंपली दोस्तों मुझे करना कि यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो अकाउंट नंबर बिल्कुल सही है और मैंने प्रोसीड पे दोस्तों क्लिक कर दिया है और यहाँ से इन्हें 10 रुपीज़ पेमेंट कर दी है। अब दोस्तों 10 रुपीज़ मेरी पेमेंट हो गई है और ये अभी प्रोसेसिंग में लग गया है। और ये जो मेरा अमाउंट है, जो मेरा अमाउंट जो अभी ये बैंक में सारा पैसा डाल देंगे, यानी मेरा ये बैंक में 956 रुपये अभी डाल देंगे। अब दोस्तों हमारा फ़ायदा कितने का हुआ, यानी मेरे को 46 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। अब कैसे हुआ कि 1000 रुपये का तो मैंने गोल्ड ख़रीदा था, ठीक है, और उसमें से दोस्तों मुझे मिल गया था कितना, उसमें से मुझे 100 रुपीज़ कैशबैक मिल गया था। फिर मैंने 956 में गोल्ड वो सेल कर दिया। अब दोस्तों आप खुद भी देख सकते हो कि 956 में मैंने गोल्ड यानी 1010 रुपये मेरे लगे और 900 यानी 1056 रुपये मेरे को वापस रिसीव हो गए। तो दोस्तों ऐसे करके आप पर पेटीएम अकाउंट से गोल्ड खरीद सकते हो और फिर उसे सेल कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको अपने बैंक में ले जा कर दिखा देता हूँ कि मुझे पैसे रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए और आप भी इसे आजमा लें। अब दोस्तों देख सकते हो मेरे पैसे जो है वो रिसीव हो गए हैं, यहाँ पर बहुत कम थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 956 रुपये मेरे हाथ के आते रिसीव हो गए। तो दोस्तों 956 प्लस 100 रुपीज़ आप कितने हो गए, 1056 रुपये मेरे को मिल गए 1010 रुपये इन्वेस्टमेंट करने पर। दोस्तों ये छोटी सी वो ट्रिक थी, उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अभी लाइक करना, अभी शेयर करना और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।